क्वेश्चन इट सेज इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी ऑप्शन ए सेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलेशन ऑप्शन नंबर बी सेज इज नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलेशन सी सेज इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेशन फॉर वन इंस्टेंस ओनली ऑप्शन नंबर डी सेज इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलेशन फॉर टू इंस्टेंसेज नाउ इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तो जब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है सो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बाय द वे यहाँ पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की ही बात हो रही है ठीक है सो अदर प्रोजेक्टाइल्स की भी बात कर लेते हैं तो ये वाला जो आपका जो मोशन है थीटा एंगल पे आपने इसे फेंका है यू आपकी वेलोसिटी है जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट होएगा जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे आ, आपका एक्सेलेशन हमेशा जी नीचे की तरफ है उस लोकेशन पे आपकी वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होएगा, सो एंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नाउ यही प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो सो से फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग से आपने ऐसे गेंद को फेंका है ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे हो रहा है तो उस केस में इस जगह पे ये स्नैरियो आएगा कि ये आपकी वेलोसिटी है और ये आपका एक्सलेशन है अगर आपने यहाँ से कोई और वो लिया है सो तो अगर आपने ग्राउंड से ऐसे फेंका है नीचे करके ठीक है तो उस केस में ये वाला स्नैरियो होएगा तब आपका एक बार भी नहीं होएगा सो लेट अस से दैट हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक इंस्टेंस पे आपका वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच में 90 का एंगल होएगा सो तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर